भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है और वनडे सीरीज में जहां टीम इंडिया ने पहले वनडे मुकाबले में जीत हासिल करी और जीत के साथ 1-0 की सीरीज में बढ़त भी बना ली है, लेकिन इन सब के बीच भारत के स्टार ऑलराउंडर और स्टार फील्डर, सबसे मजबूत फील्डर कहे जाने वाले रविंद्र जडेजा इस समय काफी सुर्खियों में है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने मार्नस लाबुशेन का एक अद्भुत कैच पकड़ा था। दरअसल कुलदीप यादव के बॉल से मार्नस लाबुशेन ने एक शॉट खेला था जिसका बहुत शानदार कैच पकड़ा है रविंद्र जडेजा ने, लेकिन जैसे ही रविंद्र जडेजा ने वो कैच पकड़ा उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का एक ट्वीट वायरल होने लगा। तो आखिर क्या कहा है महेंद्र सिंह धोनी ने उस ट्वीट पे, आखिर क्यों वायरल होने लगा है वो महेंद्र सिंह धोनी का वो ट्वीट, जानने के लिए देखिए हमारी ये वीडियो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा छाए हुए है। जडेजा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि वे 9 महीने बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। जडेजा ने न सिर्फ गेंद से कमाल किया बल्कि अपनी फील्डिंग से भी फैंस को हैरान किया है। जडेजा के शानदार प्रदर्शन के बाद पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने धोनी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। पहले आइए देखते हैं जडेजा ने ऐसा क्या किया है कि धोनी का ट्वीट वायरल हो रहा है। जडेजा की शानदार फील्डिंग का नजारा ऑस्ट्रेलिया पारी के 23वें ओवर की चौथी गेंद पर दिखा। गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थी, स्ट्राइक पर थे मानस लाबुशेन। कुलदीप की ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंद को लाबुशेन ने पॉइंट की तरफ खेला। लाबुशेन को लग रहा होगा कि ये गेंद सीधी बाउंड्री की लिए जाएगी, लेकिन जडेजा बाउंड्री और गेंद के बीच में आ गए और पॉइंट पर दाहिने और डाइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है धोनी के ट्वीट में? जडेजा के शानदार कैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। यह ट्वीट लगभग 10 साल पहले का है, तब धोनी टीम इंडिया के कप्तान हुआ करते थे। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, सर जडेजा कैच लेने के लिए भागते नहीं, गेंद उन्हें ढूंढ लेती है और उनके हाथ पर लग जाती है। इस मैच में जिस तरह का कैच जडेजा ने लिया है उसके बाद धोनी का यह 10 साल का पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। बात इस मैच की करें तो जडेजा ने सिर्फ फील्डिंग ही नहीं बल्कि बेहतरीन गेंदबाजी भी की। जडेजा ने 81 रन की धमाकेदार पारी खेलने वाले मिचेल मार्श को आउट करने के साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल को भी आउट किया। जडेजा की बेहतरीन गेंदबाजी के कारण ही एक समय 300 के पार जाती दिख रही ऑस्ट्रेलिया की पारी 188 रनों पर सिमट गई।